हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फोर फ्रंट सिविल स्टूडियो में, जहां पर हम सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई नई नई चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 36x47 का फ्लोर प्लान। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साइट की कंडीशन ये है कि फ्रंट साइड में रोड है और बची हुई तीनों साइड के अंदर किसी दूसरे का मकान है, और नॉर्थ फेसिंग अपने हाउस की फेसिंग नॉर्थ फेसिंग रहेगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर देखते हैं। यहाँ पर अपना मेन गेट है, मेन गेट की साइज 7 फुट है। मेन गेट से अंदर आते ही राइट साइड के अंदर स्टेयर को सेट किया हुआ है। स्टेयर के स्टेप 11 फुट की हाइट के हिसाब से सेट किए हुए हैं। फिर अपन आगे चलेंगे तो लेफ्ट में गेस्ट रूम है, जिसकी साइज 10x14 फुट है, और इसके साथ में 3x6 फुट का बाथ एंड WC है। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीढ़ियों के आगे लिफ्ट, जिसकी साइज 4x7.5x4 फुट है। उसके आगे 12x11 फुट 9 इंच का बेडरूम है, जिसके अटैच में 7x4 फुट का बाथ एंड WC है। फिर हम और आगे चलेंगे तो आगे यहाँ पर हमारे पास हॉल एंड डाइनिंग है, जिसकी साइज 13x4.5x18x6 इंच है। इस हॉल एंड डाइनिंग को हम दोनों पर्पज के लिए काम में ले सकते हैं, जहाँ पर एक एक एरिया में हम सेट आउट सेट कर लेंगे और दूसरे एरिया में हम डाइनिंग की टेबल रख लेंगे। फिर उसके आगे 12x8 फुट का किचन है, जिसका वेंटिलेशन इधर गैलरी के अंदर है। गैलरी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एल टाइप के अंदर गैलरी रखी है 5 फीट की, जिसके अंदर सभी का वेंटिलेशन एंड विंडो आ जाएगी। फिर हम और आगे चलेंगे तो यहाँ पर 11x9x12 फुट का बेडरूम है, जिसके अटैच में 4x10x7 फुट का बाथ एंड WC है। और किचन में आप देख सकते हैं 12x8 के किचन के साथ में हमने एक छोटा सा 4x10x5 फुट का स्टोर भी सेट किया है। अभी हम लेफ्ट में आते हैं। लेफ्ट में हॉल एंड डाइनिंग में अपने एक OTS सेट किया है, ओपन टू स्काई, जिससे हॉल में विंडो मिल जाएगी और गेस्ट रूम के बाथ में भी एक विंडो मिल जाएगी। फिर लास्ट के अंदर हमने तीसरा बेडरूम सेट किया है, जिसकी साइज 11x9x12 फुट है, और इसका साथ में जो अटैच में टॉयलेट बाथ है, उसको एकदम लास्ट में कॉर्नर में 7x5 फुट की साइज देकर हमने सेट किया है। और इन सभी को आप देख सकते हो हमने गैलरी के अंदर वेंटिलेशन दे दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको साथ में ये भी बताता चलूँ कि ये जो प्लान है ये वास्तु के अकॉर्डिंग सेट नहीं किया हुआ है, क्योंकि जिन क्लाइंट के लिए हमने ये प्लान बनाया था उनको वास्तु की नीड नहीं थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह हमने 36x47 की जगह में अच्छे से अच्छे तरीके से 3BHK को सेट किया है। तो दोस्तों, इसी तरीके की और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए।